प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में कई बारी इरेगुलर जेस्टेशनल सेक करके मेंशन किया जाता है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या इरेगुलर जेस्टेशनल सेक का दिखना प्रेगनेंसी के लिए नुकसानदायक है और क्या इरेगुलर जेस्टेशनल सेक दिखने के बाद भी क्या प्रेगनेंसी अच्छे से ग्रो हो सकती है कि नहीं, और आखिर इरेगुलर जेस्टेशनल सेक आखिर होता क्या है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, जो जेस्टेशनल सैक है वो प्रेगनेंसी की पहली झलक होती है प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में। अगर किसी महिला का पीरियड साइकिल 28 दिनों का है तो प्रेगनेंसी के लगभग 30 से 32 दिन के अराउंड अल्ट्रासाउंड करने पर हमें जेस्टेशनल सैक दिखाई देता है, मतलब कि प्रेगनेंसी की पहली झिल्ली हमें दिखाई देती है। ये जो जेस्टेशनल सैक है इसकी नॉर्मल शेप, जो इसकी आकृति है वो या तो गोलाकार होती है या अंडाकार होती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी फेलियर की साइड में जा रही है या फिर बच्चा जो बनना है उसमें किसी प्रकार की खराबी आ जाती है तो यही जेस्टेशनल सैक धीरे धीरे डीजनरेट होता है, या फिर इसके साइज में या फिर इसकी आकृति में कोई खराबी आ जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अल्ट्रासाउंड में अगर जेस्टेशनल सैक गोलाकार या अंडाकार ना होकर किसी भिन्न आकृति में दिखाई देता है तो इसे इरेगुलर जेस्टेशनल सैक करके मेंशन किया जाता है। इरेगुलर जेस्टेशनल सैक का दिखना प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि प्रेगनेंसी के शुरुआत में ही ये एक इंडिकेशन होता है कि प्रेगनेंसी फेलियर की साइड में जा रही है। लेकिन जेस्टेशनल सैक की शेप पर प्रेगनेंसी को ये डायग्नोस करना कि प्रेगनेंसी अबॉर्शन की साइड, मिसकैरेज की साइड या फिर प्रेगनेंसी फेलियर की साइड में जा रही है, ये भी ठीक नहीं होगा। इसके लिए आपको कुछ एडवांस टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जैसे बीटा SCG या फिर प्रोजेस्ट्रोन का टेस्ट, या फिर आपको ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड भी करवाने की एडवाइस दी जा सकती है। ये टोटली आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कैसी आती है इस पर बेस्ड होता है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।